क्या मैं कहूँ, क्या क्या करूँ मौला जतन। छाई उदासी यूं चार सू गुजरे, जो दिल पे सहना सकूं बढ़ने लगी है मौला थकन। लड़की जात है, जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा होगा। शकीला बता रही थी उन्हें शादी की बहुत जल्दी है, अगर बात पक्की हो गई ना तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात होगी। ठीक है अम्मा, जो सही लगे कर लो। तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, कब से ऑफ क्यों जा रहा है तुम्हारा फोन? हाँ वो बैटरी खत्म हो गई थी, सॉरी। अच्छा, अब मुझसे भी झूठ बोलने लगी? मुझे देर हो रही है। आखिर तुम इतना मुसलसल भाग क्यों रही हो मुझसे? पहले आप ये कहें कि आप मुझसे नाराज नहीं हैं। अच्छा बाबा, नहीं हूँ। अरे आ गई मेरी बच्ची, यहाँ तंदूर में क्यों खड़ी हो? जाओ जाकर कपड़े बदलो और इसको जल्दी से खाना दो। खाना देने के बाद मुझे आके मिलो। अम्मी मुझे चुटकी भरिएगा जरा। अर्जू ये क्या बचपना है? बचपना नहीं है अम्मी, मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं मैं सो तो नहीं रही। ये हकीकत है ना जो कुछ अभी मैंने देखा और सुना। तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। ओके आती हूँ फ्रेश होकर। ये लो खाना खा लो। मुझे लगता है सूरज आज मगरिब से निकला है, या फिर चांद शायद दिन में निकलने वाला है। दादी और इतनी खुश, मैं आपको बता रही हूँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम्हारी दादी ने तुम्हें रुखसत करने की ठान ली है, रिश्ता लगाया तुम्हारे लिए। और कल वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। रिश्ता? है कौन? होगा इनकी बिरादरी का कोई जोकर? मुझे नहीं पता। मम्मी आपको नहीं पता आपकी बेटी का रिश्ता आ रहा है और आपको नहीं पता? कैसी माँ है आप? वो तुम्हारे अब्बा की माँ है, फिक्र मत करो। सोच समझ के ही कोई काम कर रही होगी। अरे मुझे उन्हें चाय देनी थी, मैं तो भूल ही गई। जल्दी से खाना खाओ। अब ऐसी कौन सी गुत्थी है जो सुलझाए नहीं सुलझ रही? बाबा ऐसी कोई बात नहीं। ओहो यार, हमसे भी पर्दादारी। बाबा बैठे बैठे तशरीफ रखें। आइए आइए आइए। ये बताइए पहले तो मुझे कि ये सिलसिला कब से चल रहा? इतनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर के मत देखो मुझे। बेटा जी अब दिल खोल के दिखाने का वक्त आ गया। वैसे आधी प्रॉब्लम तो मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। आपकी वालदा मोहतरमा के कान में मैंने आपका एक किस्सा डाल दिया।
कौन सा किस्सा बाबा, अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं छुपाऊंगा थोड़ी आपसे। हाँ डेफिनेटली, ये तो नहीं बाबा, मैं भी आता हूँ। हाँ श्योर। शब्बीर को भी बस असम्पशंस की बीमारी, मजाक की बात से पूरी कहानी तैयार कर लेते हैं और मैं सच्ची समझकर बैठ गई। ऐसा मुमकिन है क्या मेरा बेटा कोई इतना बड़ा फैसला कर ले और मुझे पता ही न चले? रिश्ता तय होने वाला है? रिश्ता आ रहा है, तय होना है या नहीं इसका फैसला बाद में होगा। सुना है अब बहुत अच्छा रिश्ता है, नानो बहुत एक्साइटेड है। और जितनी नानो एक्साइटेड है और अच्छा रिश्ता है वो आज से जाने नहीं देंगी। मेरा दिल कहता है कि तुम बहुत जल्द अपने घर वाली हो जाएगी, बहुत याद आओगी हमें। कसम से, क्या तुम भी हमें याद करोगी? तो जरा मानती आंटी, आंटी आप, आंटी 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 आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। अरे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप कहाँ जा रही हैं? आपको तो घर पे आराम करना चाहिए। नहीं फिलहाल आराम का वक्त नहीं है, मुझे सबा को लेने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मगर वो कॉलेज से तो खुद आती जाती है ना, आपको ले जाने की क्या जरूरत? हाँ लेकिन कुछ दिनों से ये जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तुम तो जानते हो आजकल का माहौल। अच्छा तो मैं चलती हूँ। नहीं आंटी, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दूंगी। आइए आप गाड़ी में चल के बैठिए, मैं सबा को ले आऊंगा अगर आपकी इजाजत हो तो। लेकिन बेटा आप प्लीज आइए गाड़ी में। अच्छा अच्छा ये कौन हीरो है जो तेरी हीरोइन को लेके जा रहा है? वैसे फिट बंदा था यार, क्या कमाल की जोड़ी लग रही थी। बकवास बंद कर। अबे तू मेरे पे क्यों बिगड़ता है? मैं जो अपनी आंखों से देख रहा हूँ वही बोल रहा हूँ ना। खामखा मेरी शर्ट का बटन तोड़ दिया, तेरे साथ आज के बाद आऊंगा ही नहीं मैं कहीं। अरे तुम रो रहे हो,
मैं तो तुम्हें एक बहादुर लड़की समझता था। मैं बहादुर बिल्कुल नहीं हूँ, और अगर बात मेरी अम्मी की हो तो फिर तो मैं बहुत ही कमजोर हूँ। मैंने तुम्हें कहा ना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बस जरा मामूली सा चक्कर आ गया था उन्हें, और अक्सर गर्मी में कुछ इस तरीके से हो जाता है, मौसम ही कुछ इस तरीके का। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है वो हशाश वशाश किसी काम में मसरूफ होंगे, लेकिन अगर तुम्हें इस तरीके से इस हालत में देख लिया ना तो उनकी हालत जरूर खराब हो जाएगी। देखो बहादुर बनो, दुनिया कमजोर और कम हिम्मत लोगों के लिए बहुत जालिम है, कुचल कर रख देती है। तू इस कमरे में क्यों आ गई? पता है ना माली मकान ने मना किया। अरे छोड़ ना, उस कमरे में इतनी गर्मी हो रही है, पंखा भी नहीं चल रहा। तू बैठ, आके पिज्जा खा, चॉकलेट्स भी है। वैसे जिंदगी तो अमीरों की होती है, रोज ऐसे मजे मजे के खाने खाते होंगे, और उनकी जिंदगी में तो कोई हसरतें भी नहीं होंगी, है ना? मुझे क्या पता मैं कौन सा नोटों में खेली हूँ। वैसे ये बाबा जी तो बड़े खुले दिल का है, दस सारा सामान लाया कि पूरा फ्रिज भर गया है, आराम से हमारे एक दो हफ्ते चल जाएंगे। एक बात कहूं सितारा, बुरा तो नहीं मानेगी? देख, जो गुजर गई सो गुजर गई, लेकिन अगर तू अकल से काम ले ना तो तेरा आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, ये तो मुझसे लिखवा ले। हाँ खुदा माफ करे, अगर अकल का मतलब उस बाबा जी के बारे में सोचना है तो मैं बेअकल ही अच्छी हूँ। और हाँ एक बात तुझे साफ साफ बता रही हूँ, इस बार तो मैंने बाबा जी को भुगत लिया, आइंदा के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। क्या हुआ, किसका फोन है? कोई भी नहीं है, बस यूं ही। अरे तुमने बाबा जी को नंबर भी दे दिया? अरे तो क्या करती, जान का अजाब बना हुआ था, उसे तो तुम्हारा नंबर चाहिए था, मैंने अपना नंबर दे दिया उसे। ये अच्छी मुसीबत पड़ गई है पीछे, उस दिन लिफ्ट लेकर हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। पता नहीं गलती उस दिन हुई थी या अब होने जा रही है। लाइट बंद करो, नींद आ रही है मुझे। वो मैंने आपसे दो मिनट जरूरी बात करनी है। अम्मा कह रही थी कि कुछ लोग आरजू को देखने आ रहे हैं। हाँ तो फिर? अम्मा ने ये भी नहीं बताया कि कौन लोग हैं, लड़का क्या। मुझे बता दिया ना, काफी है, समझी? अब दिमाग मत चाटो मेरा, लाइट बंद करो, नींद आ रही है मुझे। बंद करो लाइट। ज़ाहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ाहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। इस्माइल, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, कहिए। असल में मेरी कल से आरजू से बात नहीं हो पा रही है, तुम पता लगाओ कि वो कहाँ है? अच्छा, आज तो कॉलेज भी नहीं आई थी वो, कल ही मिली थी मैं भी उससे, काफी उलझी उलझी लग रही थी, लेकिन कुछ डिस्कस नहीं किया उसने मुझसे। उलझी हुई?
प्लीज अस्मा तुम चेक करके बताओ वो कहाँ है इस वक्त। आप परेशान नहीं हो जाहिर भाई, मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ओके अल्लाह हाफिज। अरे वाह, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ठीक हुई बात, जिसके लिए आना पड़ा मजबूरन। फिर तो दुआ है कि रोजो ऐसी बात जो आपको यहाँ पर आने पर मजबूर करते। अस्मा तुम? हाँ मैं। यार तुम्हारा ये कजिन इंतहाई नाकाबले बर्दाश्त है, कैसे झेलती हो तुम इसे? किस्मत में लिखे अजाबों को झेलना ही पड़ता, क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन जो नहीं होता। खैर ये छोड़ो, आज कॉलेज क्यों नहीं आई तुम? और जाहिर भाई? पागल हो अस्मा, सारी बातें सीढ़ियों पे करनी शुरू कर दी। तुम जानती नहीं हो मेरी दादी के बारे में। सॉरी यार। जानती हो अस्मा, मैंने बचपन से एक ही ख्वाब देखा है कि मुझे अपनी माँ जैसी जिंदगी ना गुजारनी पड़े। निकाह के तीन बोल के एवज किसी फिरौन की मिल्कियत में ना दे दिया जाए, बल्कि मेरा शौहर मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो। मेरा घर एक ऐसी जन्नत हो जहाँ पे रहने वाले आका और गुलाम ना हो, एक दूसरे से खौफ खाने के बजाय मोहब्बत और इज्जत के रिश्ते में बंधे हों, एक को देख के दूसरे की जान ना निकले बल्कि एक दूसरे में उनकी जान हो। मुझे यकीन है जाहिर का घर एक ऐसी ही जन्नत होगा। मैं अपने ख्वाबों से सिर्फ दो कदम दूर हूं, लेकिन हार माननी पड़ेगी अस्मा। तुम मत मानो हार, कम से कम एक कोशिश तो करो। एक कोशिश? दादी का फैसला पत्थर पर लकीर की तरह होता है, और अब्बू वो तो इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास कुछ सुनने के लिए वक्त ही नहीं होता, और अपना वक्त बचाने के लिए वो दादी की हर बात पे हाँ कह देते हैं, और वो हाँ कह चुके हैं। एक बार अगर अब्बू हाँ कहते ना तो दादी सिर्फ वो करती हैं जो वो करना चाहती हैं। तुमने जाहिर भाई को बताई रिश्ते वाली बात? क्या बताऊंगा सर, और वो कर भी क्या सकता, ज्यादा से ज्यादा रिश्ते के लिए अपने पेरेंट्स को भेज सकता है बस। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर वो लोग यहाँ आए तो उनके साथ क्या होगा, मैं जानबूझकर उन्हें बेइज्जत नहीं करवा सकती। कुछ देर से ही सही, मगर ये बात मेरी समझ में आ गई है कि मोहब्बत मेरे जैसी रिवायतों में जकड़ी लड़कियों के लिए एक ऐसे रास्ते की तरह होती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। इसलिए मोहब्बत को छोड़ दिया है मैंने, और जाहिर को भी। आरजू की दादी उसका रिश्ता कर रही है। क्या? उस पे बहुत प्रेशर है। आप प्लीज उसको गलत मत समझिएगा। नानू जो पैकेज ऑफर करने वाली है ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इंशाल्लाह तुम्हारी शादी इसी से होगी,
और बहुत जल्द